हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना, ट्रेनर ऑफ टेकमेक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टेकमेक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएस एक्सेल में रिव्यू टैब के बारे में। ठीक है, यहाँ पे रिव्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो देखिए दिया हुआ है प्रूफिंग, यहाँ पे टूल दिया हुआ है प्रूफिंग टूल। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेलिंग हम कैसे चेक करेंगे, रिसर्च का यूज़ क्या होता है, थेसर्स कैसे यूज़ करते हैं, ट्रांसलेट क्या यूज़ होता है, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जब हम रिव्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रूफिंग टैब हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, पहला क्या दिया है हमारा स्पेलिंग। स्पेलिंग मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई स्पेलिंग यहाँ पे लिखी है, ठीक है, यहाँ पे हमने कोई स्पेलिंग लिखी है तो हम उसको चेक करना चाहते हैं उसकी स्पेलिंग हमारी सही है या गलत है, जो भी हम चेक करना चाहते हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे, मान लीजिए हमने इसको यहाँ पे क्लिक किया, किसी भी एक यहाँ पे हमने नाम दे दिया, यहाँ पे खुशबू, नेहा, शिवानी, वैभव। ठीक है, अब आप किसी भी एक नेम पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए हमने नेहा पे क्लिक किया, ओके। अब हम जाएंगे यहाँ पे स्पेलिंग पे, ओके, स्पेलिंग यहाँ पे दिया है स्पेलिंग चेकिंग पे। अब देखिए जो भी हमें, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया स्पेलिंग, यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट दिया है ना, स्पेलिंग हमें चेक करना है। तो देखिए जो नेहा नाम का यहाँ पे दिया है वो इस यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखिए नहीं कर रहा है ना, यहाँ पे नेहा हमने दिया है नॉट इन डिक्शनरी। क्या बोल रहा है कि जो आपने नेहा नेम यहाँ पे इनपुट किया है वो इसकी डिक्शनरी में नहीं है, कंप्यूटर डिक्शनरी में नहीं है। ठीक है, उससे रिलेटेड जैसे आपको चाहिए यहाँ पे वर्ड चेक करना है तो देखिए यहाँ पे दिया है ना, न्याऊ है, नो है, नियर है, नील है, यहाँ पे नीप है, जैसा भी नीट है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे देखो वर्ड शो कर रहा है। तो बोल रहा है कि इसकी डिक्शनरी जो इससे मतलब वर्ड हैं एन से दिख रहे हैं यहाँ पे, आपके सारे यहाँ पे शो कर रहे हैं। अगर आप सजेस्ट मतलब ये सजेशन दे रहा है आपको कि अगर आप चाहते हैं तो इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ओके। अब देखिए ये वर्ड तो हमारे इसकी डिक्शनरी में है नहीं, क्या करेंगे, मान लीजिए इसके एक तो गलत नहीं बताया, गलत या गलत होगा या फिर आपका इसके डिक्शनरी में नहीं होगा, तभी ये हमारी जो डायलॉग बॉक्स ओपन है ये ओपन होके आएगा। ठीक है, अदरवाइज ये ओपन नहीं होता है। अगर स्पेलिंग हमारी सही है तो वहीं पर बोल दें स्पेलिंग इज़ राइट, मतलब वो सही स्पेलिंग है। अब देखिए इसकी ये डिक्शनरी में नहीं है तो हम क्या करेंगे, आप चाहें तो इसको इसकी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। देखिए दिया है ना यहाँ पे ऐड टू डिक्शनरी, अगर आपको डिक्शनरी में इसको चाहते कि नेहा नेम हम जब भी चाहें ऐड करें यहाँ पे, हमें चाहे चेक कर सकते स्पेलिंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम जा करके ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए आप इसको अगर आप इग्नोर करना चाहते हैं, ये तो हमें ऐड टू डिक्शनरी करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको इग्नोर करना है तो देखिए इग्नोर वंस करेंगे तो जहाँ पर नेहा है ये इग्नोर कर देगा। ठीक है, बट सेकंड दिया है इग्नोर ऑल। इग्नोर ऑल का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि इग्नोर वंस किया था हमने, यहाँ पे जो नेहा नाम है इसको इग्नोर कर दिया इसने, ठीक है, ये यहीं पे लिखा रहेगा। बट हमने जो फाइल बनाई है उसमें एक से ज़्यादा बार आपका यहाँ पे नेहा नाम इनपुट है तो क्या करेगा, इसको इग्नोर करके वो दूसरे पे जाके मतलब उसको चेक करेगा यहाँ पे, या फिर आपने यहाँ पे भी जो नाम लिया है उसको इग्नोर करके ये यहाँ पे इग्नोर ऑल पे करेंगे तो देखो यहाँ पे शिवानी पे आ गया, दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे इसका क्या, नेहा को इग्नोर करके ये सेकंड पे आ गया है। बट इग्नोर वंस करेंगे तो जो हम यहाँ पे सिलेक्शन लिए होंगे सिर्फ उसको इग्नोर ये करेगा, बाकी को इग्नोर नहीं करेगा। ठीक है, अब वापस हमें इग्नोर ऑल किया, ये वैभव पे आ गया, देखिए यहाँ पे, ओके। तो ये होता है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, मतलब स्पेलिंग कैसे आप चेक कर सकते हो, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखो दिया है, इसको हम चाहते हैं मान लो इसको चेंज करना चाहते हैं यहाँ से, किसी भी हमने इसको क्लोज़ किया यहाँ पे, ठीक है, और ये जो नेहा है यहाँ पे जाकर क्लिक करेंगे, स्पेलिंग चेक पे जाएंगे, इसको चेंज करना है हमें या ऑटो करेक्ट करना, जो भी आप करना है यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो सीमानी जगह क्या चेंज करना चाहेंगे, यहाँ पे देखो सजेशन दे रहा है ना, यहाँ पे देखो शिवा है, जो भी आपको इसमें करना है, सेविंग है, आप इसमें से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऑटो करेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक करेक्ट वो हो करेक्ट करना है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक करेंगे तो वैभव जहाँ पे है वहाँ पे वैभव ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया है स्पेलिंग चेकिंग। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए पूछ रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना द स्पेलिंग चेक इज़ कम्प्लीट फॉर द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, मतलब जो आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, जितना आपने ये पोर्शन हमने सेलेक्ट किया था, ये नेम किया था, वहाँ पे स्पेलिंग चेकिंग कम्प्लीट हो गई है, सो कर देंगे ओके। अब देखिए नेक्स्ट हमारा दिया है इसमें रिसर्च। रिसर्च का क्या यूज़ होता है,
इस पर क्लिक करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई भी नेम देंगे यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पे कंप्यूटर दे दिया, उसके बारे में हम यहाँ पे रिसर्च करना चाहते हैं, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, कंप्यूटर टाइप करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे जाकर कर देंगे ऑल रेफरेंस बुक से, यहाँ पे क्लिक ये रहेगा हमारा। उसके बाद यहाँ पे देखो दिया है ना स्टार्ट सर्चिंग, अगर आपका नेट चलता रहेगा तो उसके बारे में आप उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, बट अभी हमें यहाँ पे सिंपल सर्च करना है। कंप्यूटर डाला हमने यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक किया तो देखो कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं, प्रोसेसर्स है, सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मेन फ्रेम है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर है, वर्क स्टेशन है, पीसी है, लैपटॉप है, नोटबुक है, ये सब चीज़ें कंप्यूटर के बारे में वो बताएगा, ठीक है। आप यहाँ पे मान लीजिए हमने कर दिया यहाँ पे, ये हमारा हो गया कंप्यूटर हो गया है, मान लीजिए यहाँ पे हमने रैम के बारे में जानना है यहाँ पे, ठीक है, एंटर किया तो देखो यहाँ पे ये पूरा इसके बारे में दिखेगा। हमें कुछ और टाइप करना है यहाँ पे, मान लीजिए हमें करना है यहाँ पे मॉनिटर के बारे में जानना है, यहाँ पे मॉनिटर टाइप करेंगे यहाँ से तो देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है, स्क्रीन टेलीविज़न सब भी बता रहा है ना यहाँ पे। तो आप रिसर्च पे जा कर के किसी भी वर्ड के बारे में आपको सर्च करना है तो आप उसके बारे में यहाँ पे जा कर के सर्च कर सकते हैं। ओके तो क्लोज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दिया है हमारा थीसर्स दिया है, थीसर्स का क्या यूज़ होता है, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये भी सेम हमारा रिसर्च जैसा ही काम करता है, बट जैसे हमें इसमें किसी का अपोजिट चाहिए, हमें यहाँ पे उसका अपोजिट वर्ड चाहिए, मान लीजिए यहाँ पे हमने गुड दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, उसके जो रिलेटेड मतलब उसके जो सेम वर्ड है हमारे यहाँ पे, हाई क्वालिटी, गुड क्वालिटी है ना, फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट रेट है, सुपीरियर है, फाइन है, एक्सीलेंट है, ठीक है। अब इसके एंटोनिम्स यहाँ बताएगा, डिसेंट यहाँ पे है, मोरल है, अपराइट है, ठीक है। उसके यहाँ पे सेम वर्ड मतलब पर्यायवाची जैसे होता है, और यहाँ पे उसके अपोजिट वर्ड भी यहाँ पे आपको बताएगा थेसर्स से, ठीक है। इसको हम यहाँ पे जो भी वर्ड आप चाहते हैं यहाँ पे इसको क्लिक करके देख सकते हैं। इसको यहाँ से क्लोज़ करते हैं। अब देखिए इसमें नेक्स्ट हमारा लास्ट बचा है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का यूज़ क्या होता है, आप अगर आपके पास यहाँ पे नेट चल रहा है, मान लीजिए किसी वर्ड को या फिर किसी लाइन को आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करना है, आपने इंग्लिश में लिखा है, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना नहीं पता आपको यहाँ पे, तो ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप ट्रांसलेट पे क्लिक करें यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने डाल दिया मान लीजिए फ्रेंड, ओके। बट ये सब कब यहाँ पे ट्रांसलेट करेगा, किसी आप किसी लैंग्वेज में देखिए यहाँ पे इंग्लिश दिया है ना, यहाँ फ्रेंच दिया हुआ है, हम चाहते हैं इंडिया में हो जाए वो या फिर स्पेन में हो जाए, जिस लैंग्वेज में आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया रहेगा, यहाँ पे दिया है उसको आप यहाँ पे चूज़ करके उसको कर सकते हैं, ठीक है। बट आपका ये जब कब काम वर्क करेगा यहाँ पे, जब आपके पास में नेट अवेलेबल होगा, आपके सिस्टम में नेट चल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ट्रांसलेट यहाँ पे देखिए जिस पे भी किया है वहाँ पे ट्रांसलेट करके यहाँ पे बताएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको यहाँ से जाके स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कोई किसी वर्ड के बारे में, और उसका थेसर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे, और ट्रांसलेट भी यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप माई वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।